कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया है वो जनता का मैनिफेस्टो है, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार में हर कोई जुटा हुआ है तो अपने अपने संगठन के पदाधिकारियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है आम आदमी तक मैनिफेस्टो की बातें पहुंचाने के लिए। शिशुपाल सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और पूर्व में भी वो केंद्र में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रह चुके हैं। सर, क्या खास चीज़ें रहेगी इस बार आपके मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी को बीट करने में आप कामयाब रहेंगे? एक्चुअली इस बार जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया है वो मैनिफेस्टो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्माननीय अध्यक्ष राहुल जी हैं उनका ये विज़न रहा है कि मैनिफेस्टो वो बनाओ जो ज़मीनी मुद्दे हैं, विभिन्न जो वर्ग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हैं, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, छोटे मंझले व्यापारी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इसी तरीके से इन सबको, सभी वर्गों को समावेश करके जो ज़मीनी, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेके जिला कांग्रेस कमेटी से लेके साथ ही एनजीओज हैं और आम जनता से, वो मुद्दे कलेक्ट करो और उन मुद्दों को लेकर उसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठे, वो कमेटी उसमें से तय करे, उसका एक एजेंडा तय करे, और वो सारों को एक सम्मिलित करके, संगठित करके ऐसा एक मैनिफेस्टो बने जो वाकई में आप सत्ता में आओ तो उसको अक्सर तो अक्सर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन कई बार ये होता है कि मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं, हर बार आज़ादी के बाद जितने मैनिफेस्टो आपने भी देखे होंगे, कुछ हमने भी पढ़े होंगे, ये होता है कि आप जो चुनाव में वादे करते हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र आप देते हैं, वो चुनाव में अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं उसको। अमूमन ऐसा एक वो माइंडसेट बना हुआ है, पर नॉर्मली जहाँ तक मैं आपसे निवेदन करूँ, अभी पंजाब के चुनाव हुए थे, मैनिफेस्टो में था कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, कांग्रेस ने अपने घोषणे जो मैनिफेस्टो में बहुत, क्योंकि किसान कृषि प्रधान है पंजाब और बहुत वहाँ की मांग थी और मुख्य वहाँ का मुद्दा था, कांग्रेस ने उसको एग्जीक्यूट किया। उसके अलावा चाहे युवाओं का था, चाहे महिलाओं को सुरक्षा का था, तो जो जो वादे किए थे कांग्रेस ने उसको पूरा करने के लिए संकल्प है और किए हैं। उसी तरीके से कर्नाटक में जहाँ पे गठबंधन की सरकार है उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, तो किसानों का कर्ज माफ़ किया। चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से कांग्रेस जुटी हुई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा के, प्रदेश अध्यक्ष से लगा के, सारे लोग मैदान में हैं। लेकिन बीते अतीत की बात करें तो कई राज्य, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, या मिलीजुली सरकार बनाने के जहाँ भी प्रयास हुए वहाँ की बात कर लीजिए, कुर्सी तक पहुँचे तो उससे पहले ही अमित शाह और इनका जो दल है इन्होंने आपके हाथ से कुर्सियाँ छीन ली। देखिए ऐसा है, जहाँ तक गुजरात का सवाल है तो गुजरात के अंदर आप ये मान के चलिए कि जहाँ पर मोदी जी का प्रदेश, अमित शाह का प्रदेश, और वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस मामूली से अंतर से रह गई है, वो दावे कर रहे थे 150 सीटों के, 150+, मैं खुद 1.5-2 महीना वहाँ पे मैंने लोगों के बीच काम किया है, मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा आखिरी मोमेंट पे, आखिरी वक्त पे, ये आपके माध्यम से जनता को और हमें और आप सबको सजग रहने की ज़रूरत है कि ये मंदिर का मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, अरे जब इन्होंने वादा किया पिछली बार कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, आपके भी आ गए होंगे शायद, उन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा किया मुझे बताएं। लेकिन विकास के दावों को छोड़ के अब फिर चुनाव हैं, अब योगी जी को, मोदी जी को वही मंदिर दिख रहा है। अरे मंदिर अगर आपके बनाने की मंशा होती तो आपने तो कब का बना दिया होता, राष्ट्रपति से लेके और राज्य सरकार तक सब आपकी हैं, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप सिर्फ मंदिर के मुद्दे को एक जनता को गुमराह करके, कुर्सी हथियाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करके, समाज को आपस में बांट के, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कर दिया, अब जनता इसको धीरे धीरे इनकी कलाई खुल गई है, पहचान गई है, और राजस्थान में इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 200 में से कितनी सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है, इतनी सीट जो है वो इस बार सरकार हम बनाएंगे तो हमारे पास होगी? मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में सरकार आएगी। दावे तो 150 के भी हो रहे हैं, सर्वे और चैनल्स भी दिखा रहे हैं 140, 145, 150, लेकिन ये है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो माहौल है,
उसमें जो हमें दिख रहा है, हम जो जनता से जाते हैं, बीच में बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि कांग्रेस बहुत आसानी से सत्ता में आ रही है और जनता ने मन बना लिया है। मोदी लहर वगैरह वो जो पिछले चुनाव में बहुत ज़बरदस्त थी, 21 तक आप सिमटे और केंद्र में 44 तक आप आए, तो वो लहर नहीं रही क्या? लहर की तो बात छोड़ो, अब तो लहर उल्टी हो गई है। अब लहर जो है उसने पलटी खा ली है और लहर अब कांग्रेस की है, रहल अब लहर राहुल जी की। आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो लहर पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई थी, अब सत्ता में आएगी, अब वो सत्ता में बहा देगी और कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस को सत्ता में लाएगी, क्योंकि वो लहर कांग्रेस की क्या, जनता की लहर है। अच्छा, आप राजस्थान भर में घूमे हैं, टिकट बंटवारे को लेकर बार बार ये बात आ रही है कि कांग्रेस में बागी जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं और तीसरा मोर्चा पहले से परेशान किए हुए। देखिए, तीसरा मोर्चा राजस्थान में, आप भी भली भांति बाकी पे, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं और आप भी लंबे समय से, मैं जानता हूँ आप पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इग्नोर तो नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, घनश्याम तिवाड़ी भी हैं, साथ में हनुमान मैनीवाल भी हैं, तो चाहे हनुमान मैनीवाल कहीं ना कहीं तो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक उसको प्रभावित करते, घनश्याम तिवाड़ी चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये सारे जो डैमेज हैं इनको कांग्रेस कंट्रोल कर पाएगी? मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो कि जब भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो है घनश्याम तिवाड़ी जो है वो फ़र्क डालेंगे, तो पहली बात तो यह कि कांग्रेस को तो इसमें कोई नुकसान है नहीं। हनुमान बेनीवाल के साथ भी, हनुमान बेनीवाल अपने 2-4 सीटों तक सीमित है, उसमें खुद की सीट भी, वो अपनी खुद की सीट पहले बचा ले, उसके बाद की दूसरी बात करें। ये इतना जो ये या मीडिया में या जो माहौल बनाया जा रहा है, हकीकत से जमीनी स्तर पर इसका कोई धरातल आज भी वो बाड़मेर में हवाई दौरे चल रहे हैं, वसुंधरा जी आज यहाँ जहाँ जाती वहाँ हनुमान जी भी थे और भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त जुट रही। देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात है, लोग, अब मैंने तो देखा नहीं इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी भीड़ क्या भीड़, लेकिन राहुल जी की जो जरूरत पड़ी तो क्या, अगर एक ऐसी ताकत तीसरे मोर्चे के पास आती है तो अगर सत्ता बनाने जैसी स्थिति कांग्रेस की पहुंचती है तो गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी विचार कर सकते हैं? मैं, ये काल्पनिक सवाल है जो कि हकीकत से इसका कोई मैं वास्ता नहीं समझता, क्योंकि जब हम तीसरे मोर्चे कोई अस्तित्व नहीं, नहीं, मैं 100% इस बात से कन्विंस्ड हूँ और मैं निश्चित तौर पर मजबूत बहुमत से आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे बहुमत से आ रहे हैं। ये थे शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, लंबे समय से यूथ कांग्रेस के साथ साथ छात्र राजनीति के साथ साथ उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहकर राजनीति की है और लगातार वो पश्चिमी राजस्थान के अलावा राजस्थान के अलग अलग जो इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ घूम रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि गठबंधन की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में लौट कर आ रही है और राज्य में जयपुर में काबिज हो रही है। फिलहाल देखना यह है कि जनता किसे चुनती है और ये सारा का सारा भविष्य गर्भ में अभी कैद है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।